गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ाएंगे? हिंदी रीडर पढ़ाएंगे। तो देखिए आप, ये हिंदी की बुक है, अनाया राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो सभी आप इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? विषय सूची समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, विषय सूची में हमारा PA1 यहाँ कम्प्लीट हो चुका है, 1 से लेकर 5। हाफ ईयरली हमारा 6 to 10 कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा PA2 कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, Chapter 10 Part 8, ठीक है, पत्र की यात्रा Chapter 10 है। Part 8 में हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, Part 8 में Chapter 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हाफ ईयरली में। अब हमारा PA2 कोर्स में, तो देखिए PA2 कोर्स में कितना आता है? PA2 कोर्स में 3, ठीक है, 11, 12, 13। कितना आएंगे? 11, 12, 13। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे PA2 स्टार्ट, ठीक है, PA2 स्टार्ट लिखेंगे। Chapter 11, भारत का अद्भुत क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, Part 9 में, ठीक है, Part 9 से हमारा PA2 कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए Chapter 11, भारत का अद्भुत क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, Part 9 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पेज नंबर 54, चाहे आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर 54। देखिए यह आपका पेज नंबर है 54, ठीक है। तो देखिए Chapter 11, भारत का अद्भुत क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे PA2 कोर्स स्टार्ट, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम पार्ट शो करेंगे, यहाँ हम पार्ट शो करेंगे Part 9 से, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ाएंगे अब। बच्चों आजकल क्रिकेट का खेल पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। इस खेल को बैट बल्ला और बॉल गेंद से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? बैट बल्ला और बॉल से, ठीक है। इसे खेलने के लिए 2 टीमों की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत है? 2 टीमों की। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्या क्या होते हैं? दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आजकल दूरदर्शन का क्रिकेट मैचों का बड़ा बोलबाला है, जिसे देखो मैच देखने के लिए TV से चिपका रहता है। प्रत्येक देश अपने अपने यहाँ क्रिकेट के खिलाड़ी तैयार करता है। भारत में भी क्रिकेट, ठीक है, तो देखिए प्रत्येक देश अपने अपने यहाँ क्रिकेट के खिलाड़ी तैयार करता है। क्या करता है? अपने वाले, यानी कि हर देश अपने अपने यहाँ क्रिकेट के खिलाड़ी तैयार करता है। भारत में भी क्रिकेट का खेल काफ़ी समय से प्रचलित है। हमारे यहाँ के नामचीन खिलाड़ियों के नवाब पटौदी, लाला अमरनाथ, फारूक, इंजीनियर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव, सौरभ गांगुली, बिशन सिंह वेदी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग और वर्तमान वनडे मैच के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सर्वोपरि है, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी को प्यार से लोग माही नाम से पुकारते हैं। माही क्रिकेट जगत का धुरंधर है। माही एक क्रिकेटर है जिसने थोड़े से समय में ही नाम, यश, धन और लोगों का बेपनाह प्यार प्राप्त किया है। कपिल और गावस्कर सरीखे पुराने दिग्गज क्रिकेटर भी धोनी को भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताते हैं। इसके पीछे खेल के प्रति वे धोनी का जुनून और उसका कड़क अंदाज देखते हैं, जो उसे सिर्फ जीत का हकदार सिद्ध करता है। लगता है कि जैसे धोनी खेल के मैदान में केवल जीतने का लक्ष्य सामने रखकर ही जाता है। तो देखिए धोनी के बारे में बताया, माही ऐसा क्रिकेटर है जिसने धोनी से थोड़े से ही समय में ही नाम, यानी कि ने अपने थोड़े से ही समय में ही क्या कर लिया था? बेपना अपना नाम कर लिया था और बेपना लोगों का प्यार प्राप्त हुआ था।
कपिल और गावस्कर सरीखे पुराने दिग्गज क्रिकेटर भी धोनी को भारतीय का भविष्य बताते हैं, भारत क्या कहते हैं, भारत का भविष्य बताते हैं। ठीक है, इसके पीछे खेल के प्रति वह धोनी का जुनून और उसका कड़क अंदाज देखते हैं, जब खेलते हैं खेलते समय धोनी का जुनून और कड़क अंदाज देखते हैं तो जो उसे सिर्फ जीत का हकदार सिद्ध करता है, किसका हकदार करता है, जीतने का। ठीक है, लगता है कि जैसे धोनी खेल के मैदान में केवल जीतने का लक्ष्य सामने रखकर उतरता है, किसका सामने उतरता है, जीतने का। जब धोनी खेलने के लिए जाते हैं तो लक्ष्य वो जीतने का रखकर उतरते हैं। ठीक है, पेज नंबर 55 पर चलेंगे अब हम। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने छोटे शहर रांची और बेहद निम्न श्रेणी के परिवार से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में अपनी एक आक्रामक कप्तान के रूप में जगह बनाई है। किसमें जगह बनाई है, कप्तान के रूप में। विज्ञापन की दुनिया में धोनी आज भारत के अन्य खिलाड़ियों से बहुत आगे हैं। किससे आगे हैं, अन्य खिलाड़ियों से। आज धोनी विज्ञापन बाजार और खेल जगत में सभी के चहेते बने हुए हैं। माही ने जिस तेज रफ्तार से दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाई है वह वाकई कल्पना से बाहर की लगती है। मतलब किस लिए लगती है, क्योंकि माही ने जिस तेज रफ्तार से दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाई है, क्योंकि माही ने कम समय में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है, तो वह वाकई कल्पना से बाहर लगती है। भारत में क्रिकेट के भगवान की तरह पूजे जाने वाले सचिन तेंदुलकर तक को धोनी ने आज पीछे छोड़ दिया है। धोनी का जन्मदिन 7 जुलाई 1981 है, इसलिए धोनी को 7 का अंक बहुत प्रिय है। जो धोनी कभी अपने राज्य झारखंड की टीम में शामिल होने के लिए लालायता रहता था, आज वही भारतीय क्रिकेट टीम का भाग्य विधाता बन चुका है। क्या बन चुका है, भारतीय क्रिकेट टीम का भाग्य विधाता बन चुका है। धोनी को हार बिल्कुल पसंद नहीं है, वह समय का पाबंद और जीवन में अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देता है। किसको महत्व देता है, अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देता है, वह समय का पाबंद है। धोनी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के लवाली गांव पट्टी तल्ला सालम का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, लवाली गांव पट्टी तल्ला सालम का रहने वाला है धोनी और धोनी का परिवार। धोनी के पिता पान सिंह धोनी नौकरी की तलाश में 1963 ईस्वी में बोकारो आए थे। सन 1964 में रांची के हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में उन्होंने मेकन की ही नौकरी की और तभी से वे यहीं रहे। उनकी 3 संतानों में माही सबसे छोटे हैं। धोनी का परिवार जीवन में प्रसिद्ध और प्रचुर धन प्राप्त करने के उपरांत भी आज भी सहज और वैसा ही है जैसे वह पहला था। यही इस परिवार का बड़प्पन है। क्या बड़प्पन है, बड़प्पन है इस परिवार का, क्योंकि जैसा परिवार धोनी का पहले रहता था इसी तरीके से धोनी का परिवार आज भी वैसा ही रहता है। तो देखिए, यहाँ हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। सभी बच्चे अच्छी तरीके से रीडिंग कंप्लीट करेंगे और समझेंगे भी। तो देखिए, ये है आपका, हम आपके एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए, शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। तो देखिए, यहाँ हम लिखेंगे, आपको क्या करेंगे याद करना है, आपको वर्ड मीनिंग्स आपको क्या करना है याद करना है। तो देखिए, अभ्यास कार्य, ये आपका अभ्यास कार्य है। तो हम यहाँ सबसे पहला पार्ट शो करेंगे, ठीक है, पार्ट 9, यहाँ डेट शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भाषा अभिव्यक्ति, पहला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न उत्तर हम आपको किस पर कराएंगे, कॉपी पर कराएंगे, जैसे हम आपको कॉपी पर वर्क कराते आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम BA2 में भी कॉपी पर ही वर्क कराएंगे, ठीक है। तो हम बुक पर वर्क देखते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका, माही ने बड़ी तेजी से दुनिया के नक्शे पर अपनी डैश बनाई। क्या बनाई, अपनी पहचान बनाई है। माही ने दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाई है।
दूसरा है आपका क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है। किसको माना जाता है? सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है। तीसरा है आपका देखिए विज्ञापन, यानी कि डैश डैश में हमने लिखा है विज्ञापन कि दुनिया में धोनी आज सबसे आगे है। किस में आगे हैं? दुनिया में विज्ञापन की दुनिया में धोनी आज सबसे आगे हैं। तो चौथा देखिए यही धोनी के परिवार का डैश में हमने लिखा है बड़प्पन है। क्या है? धोनी का बड़प्पन है परिवार का। पांचवा देखिए प्रत्येक क्रिकेट टीम में डैश खिलाड़ी होते थे, तो देखिए हमने डैश में लिखा है 11। कितने होते हैं टीम में खिलाड़ी? 11 होते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा देखते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। किस में देना है? एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला है आपका लोहे का काम करने वाले को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका लकड़ी का काम करने वाला को क्या कहते हैं? बढ़ई कहते हैं। तीसरा है आपका कबाड़ का काम करने वाला को क्या कहते हैं? कबाड़ी कहते हैं, कबाड़िया कहते हैं। चौथा है आपका खेती का काम करने वाले को क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। पांचवा है आपका सोने चांदी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। ठीक है, यह आपका बुक पर रहेगा वर्क। तो देखिए हम यहाँ बुक लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका बुक पर रहेगा वर्ग। ठीक है, तो देखिए नीचे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहला है आपका क्रिकेट के प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं। तो देखिए हम इस पर निशान लगाएंगे, 11 पर लगाएंगे। ठीक है, 11 होते हैं। यहाँ देखिए आ गया पेज नंबर 57 पर देखिए। दूसरा है आपका महेंद्र सिंह धोनी को लोग प्यार से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? भज्जी, माही, यूवी। तो माही बुला दे तो हम माही पर लगाएंगे, यानी कि दूसरे पर। तीसरा है आपका प्रत्येक देश अपने अपने यहाँ खिलाड़ी तैयार करते हैं, फुटबॉल के, क्रिकेट के, बास्केटबॉल के, क्रिकेट के। ठीक है, क्रिकेट पर लगाएंगे हम। चौथा है आपका देखिए वर्तमान वनडे मैच के कप्तान का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह। वर्तमान वनडे मैच के कप्तान का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, वैसे तो विराट कोहली है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले पर लगाया है तीसरे पर, ठीक है, दूसरे पर लगाया है हमने दूसरे पर, ठीक है, तीसरे पर देखिए हमने लगाया है दूसरे पर, चौथे पर हमने लगाया है पहले पर। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। आप अपनी बुक कॉपी ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपकी कॉपी है, बुक वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम कॉपी पर वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे हमारा हाफ ईयरली कोर्स पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 यानी कि चैप्टर 10, पार्ट 8 हमारा चैप्टर 10 में कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारा PA2 कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ PA2 कोर्स लिखेंगे, यहाँ आप शो करेंगे पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 करेंगे, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। तो देखिए आप पार्ट 11 लिखेंगे, भारत का अद्भुत क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। देखिए पार्ट 11 है पार्ट 9। ठीक है, यानी कि चैप्टर 11 है आपका, हिंदी में पार्ट कहते हैं, चैप्टर 11 पार्ट 9। ठीक है, भारत का अद्भुत क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी चैप्टर का ये नाम है। आप इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर सबसे पहला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन में देखते हैं। पहला है आपका खेल के मैदान में धोनी का लक्ष्य क्या रहता है? क्या रहता है खेल के मैदान में धोनी का लक्ष्य? तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है, पहले इसका हम प्रश्न पढ़ेंगे। खेल के मैदान में धोनी का लक्ष्य क्या रहता है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है खेल के मैदान में धोनी का लक्ष्य जीतने का रहता है। किसका रहता है? जीतने का रहता है लक्ष्य। धोनी का लक्ष्य जीतने का रहता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है आपका महेंद्र सिंह धोनी को प्यार से किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए यहाँ मैंने प्रश्न लिखा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी को प्यार से किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पेज नंबर शो करूँगी। तो देखिए इसका प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ है ये दूसरे का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को प्यार से लोग माही नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? माही नाम से पुकारते हैं। तो मैं यहाँ आपको पेज नंबर शो करूँगी।
मैं आपको पेज नंबर शो करूँगी 54, ठीक है, पेज नंबर 54 आगे पेज कर लेंगे। देखिए ये भी आपका पार्ट 9 का वर्क है। यहाँ आप डेट शो करेंगे, यहाँ पर भी आप डेट शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा है आपका, भारतीय क्रिकेट की दुनिया में भगवान कौन माना जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट की दुनिया में भगवान कौन माना जाता है। तो देखिए यहाँ हमने उत्तर लिखा है, भारतीय क्रिकेट की दुनिया में भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। तो देखिए चौथा प्रश्न है आपका, धोनी का परिवार मूलत कहाँ का था। ठीक है, तो देखिए हमने बुक पर निशान लगाया है, तो देखिए इसमें धोनी का परिवार मूलत कहाँ का था। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे, धोनी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के लवाली गांव पट्टी तल्ला सालम का रहने वाला था। कहाँ का है? यहाँ का है। तो हम ये हमारा है प्रश्न चौथा। ठीक है, हम यहाँ 4 लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम पेज नंबर में यहाँ शो करूँगी। ठीक है, पेज नंबर है आपका 55। ठीक है, पेज नंबर है आपका 55। ठीक है, पांचवा देखते हैं। देखिए पांचवा, तीन पुराने नामचीन क्रिकेटरों के नाम लिखिए। ठीक है, तीन पुराने नामचीन क्रिकेटरों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ हम लिखने तीन पुराने नामचीन क्रिकेटरों के नाम लिखो। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ नाम लिखा है, पहला नाम है नवाब पटौदी, दूसरा लिखा है लाला अमरनाथ, तीसरा लिखा है फारूक इंजीनियर। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ हमारा ये पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है, अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, पार्ट शो करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम शो करेंगे, चैप्टर नंबर लिखेंगे, पार्ट 9 लिखेंगे या डेट भी शो करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी बंद कर लीजिए, सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।